अयोध्या में मुस्कुरा रहा है तो मथुरा में बाकी आप वहां के भी अध्यक्ष हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में गोपाल कृष्ण जी मुस्कुराए, इसका आनंद हम उठाए। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे इस राम कृष्ण की धरती पे भगवान कृष्ण का नाम जब तक आनंद से नहीं जगमगाएगा, तब तक सनातन संस्कृति के बारे में हम सब के लगेगा कि अधूरापन है, कुछ सूनापन। ये आपका ही संघर्ष है और जय मणिराम छावनी जी के जो आप छठे महंत बने, मैं तो वास्तव में ये वैसे तो हर श्वास गिनती की है और ऐसे में साल गिनना तो बहुत बड़ी बात है। और अभी मानी पोगैया जी ने कहा कि 108 में 1008 की कामना करता हूँ। हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से आप सहस्त्र आयु जिए और कुल मिलाकर के हम सबके लिए सदैव मार्गदर्शन करते रहे। मैंने अपने शासन काल में कुछ नई शिक्षा नीति को लेकर कुछ आपके मार्गदर्शन में बदलाव भी किया है। हमारे भगवान राम के भगवान कृष्ण के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा हमारी उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा में बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम जब तक अपनी नई पीढ़ी को इससे परिचित नहीं कराएंगे तो ऐसा लगेगा अधूरापन रहेगा। इसी प्रकार के गौशालाओं के लिए भी हमने मानदेय डबल किया है और कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत में गौशाला बने और कुल मिलाकर के ये जो गौ माता की बात माननीय महाराज जी ने कही थी, जैसे इसे विस्तार से करने में समय लगेगा, लेकिन आने वाले 2028 के सिंबस की तैयारी में भी हमारी सरकार लगी हुई है। अपनी उज्जैन की गौशाला मुझे याद दिलाई है महाराज जी के नेतृत्व में, हमने इंदौर रोड की गौशाला को भी गोद लिया। वो मेरी कॉन्स्टिटेंसी है महाराज जी के नेतृत्व में। पहले हमने वहाँ एक संस्कृत की पाठशाला भी बनी हुई थी और आप जैसा बताएंगे, लेकिन मूल रूप से तो फिर एक बार आपका ये पूरा उत्सव मैं मान के चलता हूँ कि ऊपर से परमात्मा भी देख रहे होंगे, कोई हमने अपने आंखों से देवता नहीं देखे, लेकिन हम आपको देख करके लगता है कि आप इतने इस प्रकार से जीवन जी करके कामना करते हैं, परमात्मा कितना प्रसन्न होकर के पूरे घटनाक्रम में हमको साक्षी बनाना, मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। मुझे मौका मिला है, परमात्मा करे आप दीर्घायु हो और सदैव ये हमारे सतीश में जब तक भगवान कृष्ण मुस्कुराएगी तब तक ये आशीर्वाद बनता रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः समुचे आयोजन समिति को शुभकामना बधाई और जैसा आप कभी भविष्य में आगे कोई आदेश करेंगे, मध्यप्रदेश सरकार सदैव आपके चरणों के आपके आदेश के इंतजार में बिल्कुल सदैव तत्पर रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई।